इस्माइल खान का एक लंबा सफर करते करते मैं 165 साल पुरानी एक खानकाह में हाथ का लिखा हुआ ये मसनवी है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की, हाथ के मख्तूतात हैं, हाथ के 400 साल पुराने जी। और इसी तरह ये भी हाथ के लिखी हुई कलमी किताबें हदीस की हैं अब जामिउल अज़हर मिन हदीस नबी जी। और इसी तरह ये भी जो है वो हाथ की लिखी किताब है। जो चीज़ मैं आज की इस बात पे कहना चाहूँगा वो ये है कि ये कुछ अल्लाह वालों के तबरकात हैं। हमारे मोहतरम शहजादा साहब फरमा रहे हैं कि ये हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह का जुम्बा है और इन्होंने महफूज रखा हुआ है बहुत ही मोहब्बत के साथ। और ख्वाजा सिराजुद्दीन साहब जिनके नाम पे खानकाह सिराजिया और हमारे बड़ों की यादें हैं उनकी कमीज है। और ये टोपी जो है ये दिल्ली से ख्वाजा किन्होंने भेजी शाह अहमद सईद साहब जी कि उन्होंने टोपी भेजी अपने खलीफा को कि ये सर पे रखो और क्या होगा अपने नए असबाक मुराकबात शुरू कर दो जो मैंने आपको नए असबाक और मुराकबात शुरू करो। शेख की टोपी सर पे रखते ही जिक्र कल्बी जिक्र लिसानी जिक्र वजदी और जिक्र की कैफियत शुरू होती हैं, इस्तेमाल की हुई चीज़ों का असर होता है। और ये टोपी आज से 165 सालों का विसाल हो गया हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह की, ये आपकी टोपी है, ये उनकी टोपी है। और ये ख्वाजा उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह की चादर है, वो चादर जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यमनी भारीदार चादर वो सुर्ख चादर है। और ये उनका शलवार है। देखिए बनी इसराइल के पास मेरे पास तबरकात की दलील है। बनी इसराइल के पास एक ताबूत सकीना था जिसका कुरान पाक में तस्करा है, इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में उसका तफसीरी तस्करा है। उनमें अल्लाह वालों के क्या अल्लाह वाले थे, हजरत मूसा और हारून की इस्तेमाल की हुई चीज़ें थी। वो ताबूत सामने रखते, ताबूत से मुराद संदूक, संदूक चा बॉक्स जब सामने रखते थे हर मैदान में फतह होती थी। अल्लाह की तरफ से आजमाइश नाफरमानी उनकी कि वो ताबूत जो है वो उनसे छिन गया और उसके बाद सारा निज़ाम फिर बरकतों का फतूहात का ख़त्म हो गया। बड़ों के तबरकात और उन तबरकात की बरकत कुरान से साबित है, ना कि मैं कोई नई बिदत पेश कर रहा हूँ, ये कुरान पाक से साबित है। और मैं इस वक्त मूसा ज़ई शरीफ की बहुत बड़ी खानकाह पौने 200 साल पुराने नकूश उसमें बैठा हूँ और वो नकूश की जिंदा चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक छोटा सा वाक्य बयान करता हूँ। मैं बुखारा समरकंद ताशकंद के सफ़र में था तो वहाँ अचानक शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुझे मिला तो वहाँ एक वाक्य याद आया। महमूद गजनवी के मुर्शिद थे शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, फतूहात नहीं हो रही थी सोमनाथ की तो अपने मुर्शिद का ऐसी जुबा ऐसे उठाया और उसके वसीले से मांगा कि मौला इसके वसीले से फतूहात अता फरमा। और फतूहात हो गई और रात को शेख के ख्वाब में मुलाकात हुई। फरमाने लगे तूने मुल्क मांगा था, अगर पूरी उम्मत के लिए हिदायत और नूर और दिल की दुनिया मांगता तो आज अल्लाह पूरी उम्मत को बख्श देता। बड़ों की बरकत है, उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ों की बरकत होती है। क्यों? इनके साथ आमाले नबवी लगे हैं, इनके साथ वही की बरकत है। और ये मुसलमा चीज़ है और ये हकीकत चीज़ है। आज 20 दिसंबर है 2020 का, 2020 का दिन एतवार का दिन है। मैं यहाँ हाजिर हुआ था, साहबजादा साहब ने बहुत शफकत फरमाई, नहायत मेहरबानी फरमाई और खाने की दावत भी और इन्होंने मेहरबानी की और ये तबरकात और ये चीज़ें इन्होंने दिखाई, मैं इनका नहायत मशकूर हूँ। अल्लाह पाक हमें बड़ों की अजमत दिल में बैठे बिठाने और उस अजमत का इस्तेहजार पे हमारे दिल में, और बड़ों की अजमत हो और बड़ों की चीज़ों की अजमत हो जो कि कुरान से साबित है और इसका ताल्लुक अदब से है, बरकत से है और खैर से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।